तो गाइस आप सैमसंग गैलेक्सी J2 के स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो यानी कि डिसेबल करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में ये बताने वाला गाइस कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी J2 के स्मार्टफोन में किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन कैसे डिसेबल कर सकते हो वो भी इजी वे में। तो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो, तो गाइस जो लोग अब तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। चलते गाइस यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सिंपल आप लोग कुछ नहीं करना, यहाँ से अपने सेटिंग को ओपन कर लेना, यहाँ से सिंपल अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से सिंपल स्क्रॉल कर लेना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेना, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का, तो सिंपल आप लोग कुछ नहीं एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, तो सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हो ऐप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है। तो गाइस सिंपल आप लोग कुछ नहीं ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से ऐप मैनेजमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करना। तो गाइस इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जितना भी आप लोग का ऐप होगा यहाँ से आ जाएगा। तो आप जिस ऐप का नोटिफिकेशन डिसेबल करना चाहते हो तो उसको सिंपल आप लोग कुछ नहीं, जैसे व्हाट्सएप का मैं करना चाहता हूँ तो सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ग्रीन टिक लगा हुआ था, इसको सिंपल आप लोग को ऑफ कर देना। यहाँ से आप लोग देख सकते हो शो नोटिफिकेशन, सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ से इसको डिसेबल कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस परमिशन मांगेगा डिसेबल नोटिफिकेशन, तो इसको ओके कर देना। इसी तरह तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं एक और यूट्यूब का भी मैं करके दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करना है, यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग ग्रीन देख सकते हो ठीक है उस पर जाना है। यहाँ से सिंपल देख सकते हो डिसेबल नोटिफिकेशन, यहाँ सिंपल आप लोग डिसेबल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे नीचे में ओके का ऑप्शन है, सिंपल आप कुछ नहीं ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो यूट्यूब और व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन हाइड हो चुका है। और आप चाहते हो गाइस इसको नोटिफिकेशन को फिर से इनेबल करना, इस जितना भी नोटिफिकेशन गाइस मैंने हाइड किया उसको चाहते हो फिर से इनेबल करना, तो उसके लिए सिंपल आप लोग कुछ नहीं फिर से आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना। सेटिंग ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हो एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सिंपल एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल कुछ नहीं यहाँ पे व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन इनेबल करना है, तो सिंपल व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को सिंपल शो नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से ग्रीन टिक लग जाएगा, तो सिंपल आप लोग को यहाँ से व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन इनेबल हो चुका है। वैसे ही आप लोग यूट्यूब का करना है, यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाने के बाद आप लोग यहाँ से एक क्लिक करना शो नोटिफिकेशन पर, यहाँ से आप लोग का यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन इनेबल हो गया। तो गाइस आप इसी तरह से अपने सैमसंग गैलेक्सी J2 के स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन को डिसेबल या इनेबल कर सकते हो वो भी इजी वे में। तो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो था। तो गाइस जो लोग अभी तक मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ। अगर साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर आई डी अभिमोद 383 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।